आधी रात से आम आदमी को महंगाई के मोर्चे पर एक बड़ी राहत मिली है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में 2 रुपए की कीमतों को घटाया है, जिससे देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम 2 रुपए कम हो गए हैं। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रहे इजाफे की आलोचनाओं के बाद एक्साइज ड्यूटियों में कमी की, जिससे अब लोगों को राहत मिली है। पेट्रोल और डीजल के दामों में रोज के उतार चढ़ाव के फैसले के बीच सरकार की तरफ से जनता के लिए थोड़ी ही सही मगर एक मुश्त राहत की खबर आई है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल से बेसिक एक्साइज ड्यूटी घटा दी, जिससे पेट्रोल और डीजल के दाम 2 रुपए प्रति लीटर कम हो गए हैं। ये नई दरें आधी रात से लागू हो गई है। कीमत में 2 रुपए की कमी के बाद दिल्ली में पेट्रोल का नया रेट 68 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर हो गया है, जो पहले 70 रुपए 88 पैसे था, जबकि मुंबई में 79 रुपए 99 पैसे से घटकर पेट्रोल 77 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर हो गया है। कोलकाता की बात करें तो यहां पुराना रेट 73 रुपए 62 पैसे था, जो आधी रात से घटकर 71 रुपए 62 पैसे हो गया। वहीं चेन्नई में 73 रुपए 48 पैसे से घटकर पेट्रोल की नई कीमत 71 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर हो गई है। बात अगर डीजल के नए रेट की करें तो दिल्ली में प्रति लीटर डीजल के दाम 57 रुपए 14 पैसे हो गए हैं, जो पहले 59 रुपए 14 पैसे थे। मुंबई में 62 रुपए 82 पैसे से घटकर डीजल का नया रेट 60 रुपए 82 पैसे हो गया है। कोलकाता में डीजल की नई कीमत 59 रुपए 80 पैसे हो गई है, जो पहले 61 रुपए 80 पैसे थी। वहीं चेन्नई में 62 रुपए 30 पैसे से घटकर डीजल का नया रेट 60 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर हो गया है। बहुत राहत की खबर है सर, ऐसा होना भी चाहिए। लोग, आम जनता परेशान है पेट्रोल को लेके, डीजल को लेके, और होना भी ऐसा चाहिए। 2 रुपए नहीं, कम से कम 10 रुपए कम होने चाहिए। ये ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, पर अगर और कम होता तो अच्छा होगा, काफी फर्क पड़ जाएगा फिर, क्योंकि धीरे धीरे जो प्राइस इंक्रीज हुआ उससे काफी फर्क आया है। इट्स अ बिग रिलीफ। और कम कर दो, कम से कम 10 रुपए और कम कर दो। आपको बता दें, फिलहाल केंद्र सरकार पेट्रोल पर 21.48 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 17.33 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी के नाम पर वसूलती थी। अनुमान है कि एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपए की कटौती के बाद केंद्र पर सालाना वित्त वर्ष में करीब 26,000 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। इसके अलावा राज्य सरकारें पेट्रोल पर अधिकतम 47% और डीजल पर 28% तक बिक्री कर लगाते हैं। माना जा रहा है कि केंद्र के इस फैसले के बाद राज्यों पर भी टैक्स कम करने का दबाव बढ़ेगा।